हर मास की कृष्ण पक्ष चतुर्दशी की तिथि यानी शिवरात्रि और माघ मास की कृष्ण पक्ष चतुर्दशी की तिथि यानी महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि में उपवास और रात्रि जागरण कर लोग सामान्य जीव से तत्व ज्ञानी शिव बनने की यात्रा का आरंभ करते हैं। इस जीव से शिव बनने का वास्तविक अर्थ हमारे जीवन में क्या हो सकता है? हमारा लगभग हर एक त्योहार सूर्य मंडल की महत्वपूर्ण खगोलीय घटनाओं, ग्रहों की दिशा और गति पर आधारित है और महाशिवरात्रि का उत्सव दिवस भी उनमें से एक। इस दिन पर सूर्य और चंद्र की गति और उनकी क्रमशः कुंभ और मकर राशि में उपस्थिति से पृथ्वी पर, विशेषतः रात्रि के समय जो पृथ्वी पर सबसे अंधकारमय रात्रि मानी जाती है, तब एक अभूतपूर्व ऊर्जा उत्पन्न होती है। उस रात्रि में ऐसी दैवीय ऊर्जा का सुयोग के उपयोग कर उसको सही दिशा दे मनुष्य को आध्यात्मिक विकास मार्ग पर ले जाने का दिन यानी महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि के पर्व के साथ कई पौराणिक कहानियां और मान्यताएं जुड़ी हुई है। विविध मान्यताओं के अनुसार महाशिवरात्रि यानी समुद्र मंथन के दौरान जब भगवान शिव विष धारण कर नीलकंठ बने, वह दिन शिव और शक्ति के विवाह का दिन, दैवी शिव नृत्य का दिन, ब्रह्मा और विष्णु की संसार पर अपने प्रभुत्व की लड़ाई में शिव जी ने अनंत अग्नि रूप धारण कर संसार को जन्म और सांसारिक माया के बाद अंतिम सत्य मृत्यु अर्थात शिव ही है का संदेश दिया, वह दिन। शिव पुराण की एक कहानी के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन एक पारधी उसके शिकार एक हिरण के वचनों पर विश्वास रख वह उसको अपने बच्चों से मिलने जाने देता है और हिरण की प्रतीक्षा में दिन उपवास कर पूरी रात जाग बिली के वृक्ष पर बैठ त्रिदेव त्रिगुण त्रिनेत्र के प्रतीक रूप बिली पत्र तोड़ कर नीचे गिराता रहता है और अनजाने में वृक्ष के नीचे स्थित शिवलिंग का रात्रि जागरण कर पूजन करता है। बाद में यह सब जान वह भावुक हो दैवी सातत्य का अनुभव करता है और तब हिरण भी अपना वचन पालन करता हुआ वापिस आता है। एक प्राणी की प्रामाणिकता देख उसका हृदय द्रवित हो हिरण को नमन कर उसे जाने देता है और उसका हृदय परिवर्तन हो वह शिवत्व को प्राप्त करता है। कहानी का मर्म यही कि कोई भी व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले अपने निरंतर सचेत प्रयास यानी व्रत से सिर्फ एक रात्रि में ही शिवत्व को प्राप्त करना असंभव नहीं। शिव यानी अंतिम सत्य और शिवत्व यानी शिव से भेंट करने के लिए आवश्यक तत्व ज्ञान और हमारे लिए इस तत्व ज्ञान शिवत्व का प्रेरणा स्रोत यानी ज्ञान के देव स्वयं शिव, जटाधारी शिव यानी स्थित प्रज्ञ, गंगाधारी शिव यानी ज्ञान गंगाधारी महादेव, भाल चंद्रधारी शिव यानी जगत के कल्याण करता, विभूतिधारी शिव यानी सृष्टि के महान संतानों की राख को वैभव मान सिर पर धारण करने वाला, त्रिलोचन शिव यानी निष्काम वासना रहित कर्म साधक, नीलकंठ शिव यानी सृष्टि का रक्षक, सर्पधारी शिव यानी काम क्रोध लोभ मोह प्रमाद जैसे विकारों से गिरे होने के बाद भी निर्भीक और निर्विष हो निरंतर कर्म करने वाला कर्मयोगी, रुद्राक्षधारी शिव यानी सदैव परमार्थ कार्य में रत रहने वाला, त्रिशूलधारी शिव यानी दुर्जनों का काल, डमरूधारी शिव यानी संहार के बाद सर्जन का माधुर्य, दिगंबर शिव यानी सादगी सरलता सहजता, शमशान में शिव यानी मृत्यु का भय नहीं परंतु शिव को प्राप्त करने का आनंद। ऐसे शिव जी को प्राप्त करने के लिए हमें कूर्म यानी एक कछुए के जैसे इंद्रिय निग्रह अर्थात इंद्रिय संयम रख ज्ञान ग्रहण करना आवश्यक है। कछुए के जैसे ही ढाल बनाकर बाहरी प्रलोभनों और प्रहारों से अपना बचाव कर निरंतर साधना करना और नंदी के जैसे ही हमेशा से ही सतर्क रह ज्ञान प्राप्ति कर ज्ञान का समाज में वाहक बन अंत में शिव में विलीन हो जाना, यही तो प्रेरणा शिव मंदिर में कूर्म और नंदी हमें देते हैं। जीवन में शिवत्व उत्पन्न कर अंत में शिव में विलीन हो जाने वाली जीवन यात्रा का आरंभ, आरंभ के बाद निरंतर वृद्धि और वृद्धि के बाद संपूर्ण शिव बनने के प्रयास की प्रेरणा देने वाला यह पर्व है महाशिवरात्रि।